हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। कंटेनर में बन रहा था दही और जब उसका ढक्कन खोल के देखा तब उड़ गए होश। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला कहाँ का है। अगर आप भी वहां से बिलोंग करते हैं और आप भी दही खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको आज का न्यूज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये खबर हमारे सामने बिलासपुर से आ रही है। अगर आप भी बिलासपुर में रहते हैं तब आपको इसके बारे में बखूबी पता होगा कि वहां पर चिलिंग प्लांट्स वगैरह काफी सारे हैं और वहां पर सुरक्षा विभाग वालों ने एक रेड मारी। हम आपको ये चीज बता दें कि आजकल एक्चुअली इंसानों की जिंदगी कितनी हो गई है, 50, 60 या 70, हद 70 हो गई है। पहले के लोग काफी ज्यादा जीते थे। वो क्यों जीते थे, क्या था उनके पीछे, क्या राज था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूँ जिसको एक्चुअली अगर हम लोग ये सब चीजें खाते रहे तो हम शायद एक 50 साल या कम से कम 55 साल तक ही जी पाएंगे। तो बिलासपुर से एक चिलिंग प्लांट के सामने हमारे सामने ये खबर आ रही है जहां पर एक सुरक्षा विभाग वालों ने रेड मारी और रेड मारने के बाद वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें थी जहां पर मक्खियां बिनबिना रही थी, गंदगी बिनबिना रही थी, कॉकरोच थे और वहां पर रुकना काफी ज्यादा दुश्वार हो गया था। और जब वहां पर दही बनाई जा रही थी, आप दही खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और लोग बोलते हैं कि दही खाना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप नाइट को दही खा रहे हो तो आपको नींद काफी ज्यादा अच्छी आ जाती है, लस्सी पी रहे तो काफी ज्यादा अच्छी आ जाती है, मॉर्निंग में पराठे के साथ आप दही खाते हैं और दही की बहुत सारी वैरायटीज भी बनती है, बहुत सारी डिशेज भी बनती है और आप लोगों को इस चीजों के बारे में बखूबी पता होगा। पर अगर ऐसी सारी चीजें हैं जो कि हमें हेल्दी बनाने के लिए बनाई गई है वो सब चीजों में ऐसी मिलावट हो तो कैसा हो। इसी तरीके से वहां पर जब दही के प्लांट लगाए हुए थे, जब वहां पर कर्ड बन रही थी तब वहां पर जब एक कंटेनर के अंदर जब ये दही बन रही थी, उस कंटेनर का जब ढक्कन खोल के देखा उस पूरी टीम ने, तब उन्होंने उसके अंदर जो पाया वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वहां पर इतने गंदे कीड़े थे उसके अंदर कि अगर आप देखते तो शायद आप दही खाना ही हमेशा के लिए बंद कर देते, तो आपको भी कभी दही खाने का मन ही ना करे। और उसी के साथ उन्होंने ये चीज भी बोली कि काफी सारे वहां पर लोग थे जो कि हाइजेनिक थे, उन्होंने कुछ भी ऐसी चीजें, उन्होंने गंदे, उनके गंदे हाथ थे जिस तरीके से वो दही बना रहे थे, उन्होंने कोई भी कवर नहीं पहना हुआ था, हर जगह पर कॉकरोच थे, काफी ज्यादा स्मेल थी और यही सब चीजें बाहर सप्लाई की जाती, यही सब पैकेट्स में डाला जाता है। जो बड़े बड़े आप लोगों ने ब्रांड्स वगैरह देखे होंगे वो सब ब्रांड्स वो वहां पर बनते भी है और आप तक सप्लाई भी होते हैं और उसमें क्या चीजें होती है क्या चीजें नहीं होती आपको भी नहीं पता और आप लोग इन सब कंपनियों के ऊपर ट्रस्ट करने के बाद आप ये सब चीजें खाना शुरू कर देते हो। सो गाइज, एक्चुअली अगर कर्ड वगैरह होता तो आप दही वगैरह होता तो अच्छी बात है, अगर आप लोग घर पे बनाए तो आपको भी सेहत रहेगा और दूसरे लोगों को भी, आपके घरों में बच्चे काफी ज्यादा दही वगैरह पसंद करते होंगे। पर ये मिलावट का जमाना है, मिलावट बहुत ज्यादा हो रही है, क्या किया जाए इसके पीछे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसके साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।